उनसे मिलके मुझे लगा कि कुछ कनेक्शन है हम दोनों के बीच, और लगा कि जो है मैं इनको अपना लाइफ पार्टनर बना सकता हूँ. ही इज़ नाइस गाय एंड ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन. मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बेटी ही है. गलती करती है तो मुझे भी लगता है कि शायद मैं कहूंगा तो सुधार लेगी उस चीजों को. तो बच्चों वाली फीलिंग है उसके लिए, तो बस हमेशा खुश रहे. और जैसे यहाँ पे हमेशा सबकी लाडली रही है, ऐसे ही आगे ससुराल में भी सबकी लाडली हेलो ऑल ऑफ माय डाउट सडनली गो. मुझे कोई कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ ले बेटा, अपने आप ही पढ़ाई पर ध्यान देता था. बहुत सीरियस कभी शरारत नहीं की, कभी डांट नहीं खाई, बहुत ही केयरफुल बच्चा रहा है. I love you for a thousand more. वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को छुपा लेती है. और जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था ना, वो शी इज़ लाइक टेंथ क्लास में थी और मम्मा के पीछे छुपी थी कि मतलब भैया ने किसी को पसंद किया और उसे मुझे देखना है. लाइक मतलब कभी सोचा नहीं, मतलब लाइक ना परी होती है ना घर की, वो परी है. Way with standing in front of me, every breath, every hour has come. As a brother, मैं उसके लिए मदर जैसे हूँ. वो मेरी एक एक बात मानता है, मतलब जो उसने मतलब मैंने बोल दिया. He's like a child to me. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I'll love you for a thousand more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I have loved you for a thousand years. पता है कि तू क्या है मेरे लिए, और हमने हमेशा तुझे अच्छी ही बातें सिखाई हैं, बुरी बातें सिखाई नहीं है. तो वो बोला है हमेशा कि अकेले में रहना. फैमिली जैसे ये है वैसी वो फैमिली है. दोनों को बिल्कुल सेम कंसीडर करके आगे चलना और अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीना. बाकी तेरे दोनों भाई हैं, पापा हैं हमेशा तेरे साथ. अब तो तेरे दो पापा हो गए, दो मम्मी हो गई. हमेशा हमेशा खुश रहे तू. I love you for a thousand more. And all along I believed I'll find you. And time has brought your heart to me. I've loved you for a thousand years. I love you for a thousand more. से बहुत छोटी थी कि तो केवल सनी भाई, मैं और लवी भाई खेला करते थे. तो पूजा को हम पूछते भी नहीं थे बिल्कुल. वो मौसी के पल्लू पकड़ पकड़ के चलती थी. बट जब से पूजा बड़ी हुई है और वो मेरे लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड, माय बीएफएफ, माय फेवरेट सिस्टर, जिस हमने एक दूसरे से एक एक चीज शेयर करी है. और मुझे पता है वो शी इज़ द मोस्ट एडजस्टिंग गर्ल आई हैव एवर सीन. तो वो जहाँ भी जाएगी, जिस भी फैमिली में जाएगी, उसे सबसे ज़्यादा खुश लगेगी. आई लव यू द मोस्ट पूजी, माय पूजी कैट. Hey.
भी मैं तुम्हें देखता हूँ एक पल के लिए मेरी हार्ट बीट रुक जाती है। पूजा इज वेरी सॉफ्ट स्पोकन, वेरी डाउन टू अर्थ, व्हाट आई फेल्ट इन दीज डेज, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी एडजस्टेबल काइंड ऑफ नेचर ऑफ दैट गर्ल। पूजा, दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू यू, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मेरे इश्क के स्कूटी सिखाई थी, दो साइकिल सिखाई थी, स्कूटी सिखाई, मैं उसके साथ भागता था। मतलब इवन स्कूटी सिखाने में भी मैंने उसे भाग के स्कूटी सिखाई है। हमारी प्यारी पोती है, बहुत लाडली है, और जो हम ये चाह रहे हैं हमारा आशीर्वाद उसके संग है, अपने सास ससुर की सेवा करें, अपने पति का कहना माने। वो अचानक आ गई, सब सच्ची बात तो जो है ये सबका ध्यान रखती है, कोई भी किसी को तकलीफ हो हमारे परिवार में तो है ही है, इसके अलावा भतीजे भतीजी इनका विशेष ध्यान रखती है। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने जिगर होता मैं शायर, अगर कहता गजल तेरी अदाओं पर, मैंने ये कहा तो मुझसे खफा हो, जाने हयात हो गई एक अजनबी। भगवान और बहु बेटे को खुशी से रखे, देवी मैया जो गलती हो उसे माफ। कुछ ऐसी बात हो गई एक अजनबी हसीना से क्यों मुलाकात हो गई। लाइक कराए
बहुत ज़्यादा गोदी में खिलाया है और ये मेरे से साथ रहते थे दोनों, बच्चे की तरह खिलाया है इनको, तो सब मतलब भैया भी इनको बहुत मानते हैं, हर चीज़ में इनको इन्वॉल्व भी करते हैं। सुबह शाम तक हम दोनों साथ बैठते हैं, रात को डेली एक घंटा दो घंटा साथ रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं। से मुझे बुलाइयो, आंखों से फिर सब कह जाइयो, यही हूं मैं, यही हूं मैं, कहीं ना गया तुझे छोड़ के मैं, यही हूं मैं, यही हूं मैं, पास आके ना तू दूर जा। जब मैरिज फिक्स होने की बात थी या पूजा जी को सिलेक्ट करने की बात थी, तो मैं भी उस इवेंट का पार्ट था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल, उसके बाद हमें लगा कि ये परफेक्ट मैच रहेगा शिवम के लिए, तो सबकी रजामंदी थी। जब पहली बार मिला, जब मेरी उनसे पहली बार बातचीत हुई, आई फेल्ट अ कनेक्शन बिटवीन हर एंड सो बेसिकली मुझे लगा कि हमारे बीच कुछ केमिस्ट्री बन सकती है, कुछ हो सकता है। यही हूँ मैं, यही हूँ मैं, पास आके ना तू दूर जा। वेडिंग फॉर मी ये बेसिकली केवल दो लोगों का वो नहीं होता है यूनियन, ये दो फैमिली का यूनियन होता है हमारे इंडियन कल्चर में, इसलिए ही फैमिलीज का बहुत बड़ा पार्ट होता है वेडिंग में। जब याद में मेरा नाम ले, तेरे बोल बन जाऊंगा, बाहर से तेरे लब छू लूंगा, ना हो के भी हो जाऊंगा। आके ना तू दूर जा।